नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप सभी देख रहे हैं प्रेस बासी गर्ल। उम्मीद करती हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना और अपनों का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख भी रहे होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिनके बालों की ग्रोथ बढ़ती नहीं है, या जिनको बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है, या जिनके बालों में साइन नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आई होप अभी तक आपने ब्रजवासी गर्ल को सब्सक्राइब कर दिया हो। बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, सिर में से जगह खाली रह जा रही है, तो इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों मीरा एडवांस हर्बल पाउडर की। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, ये 40 ग्राम की पैकेजिंग में आता है और 34 इसका एमआरपी रेट है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये। एक 40 ग्राम का पैकेट जो है, अगर आपके बाल छोटे हैं तो 3 बार आराम से चल जाएगा, अगर बड़े हैं तो आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ही इसको बना करके इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारी दादी नानियाँ शुरू में इस्तेमाल किया करती थी सीख अकाई रीठा वगैरह, मेथी दाना बालों के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें सिर्फ वही सब चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। ये 11 नेचुरल हर्ब्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, अपने हेयर्स में ऑयलिंग करनी है। जो भी तेल आप लगाते हैं अपने बालों में लगा लीजिए, 1 घंटे रुकिए, फिर 1 घंटे बाद, जैसे कि आप शैम्पू करते हैं तो शैम्पू को आप छोड़ सकते हैं, शैम्पू आपको यूज़ नहीं करना है, शैम्पू की जगह आपको इसी को यूज़ करना है, इससे ही अपने बालों को धोना है। इसका घोल बनाना है, घोल आप उतना थिक रख सकते हैं, उतना पतला कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपके बालों में अच्छे से मसाज हुआ है। जैसे कि ऑयल से मसाज करते हैं उसी तरीके से आपको इससे भी मसाज करनी है। कम से कम 10 से 15 मिनट मसाज करें। इसको घोलने के बाद एक मेहंदी की, जैसे मेहंदी घोलते हैं सिर के लिए, उस तरीके का पेस्ट आपको बना लेना है। इसको अच्छे से लगाना है अपने स्कैल्प पर और अच्छे से मसाज करनी है 10 से 15 मिनट। और 10 से 15 मिनट बाद आपको अपने जो बाल हैं उन्हें धो लेना है, नॉर्मल वाटर से धोना है। ये शैम्पू का भी काम करेगा, जो भी आपने पहले ऑयलिंग की है उसको ये निकाल देगा। बिना ऑयलिंग के इसको यूज़ नहीं करना है, ना आपके बाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाएंगे। इसमें सीका काई है, आंवला है, रीठा है, गुड़हल के फूल का इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा मेथी दाना है। तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट हैं वो इसी तरीके के नेचुरल हैं। इसके पैकेजिंग पर ही सारे इंग्रेडिएंट मेंशन किए हुए हैं और ये भी लिखा गया है कि आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है। आप हफ्ते में इसको 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं जब अपने बालों को धोते हैं तो। लेकिन ध्यान रखना है, जब आप तक आप इसको रेगुलर लॉन्ग टाइम कभी तक भी यूज़ करें, आपको शैम्पू का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये शैम्पू का भी काम करता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।